Hey dear friend, this is Ali and you are watching Online Future YouTube channel. So welcome to another quick quest guide. So dear friend, आज जो हम quest complete करने जा रहे हैं, quest का नाम है Dream Mentor. काफ़ी heavy quest है. Actually इतनी भी ज़्यादा खास heavy नहीं, बस इसमें एक ही boss है जो कि काफ़ी aggressive है, जो कि बंदे को मतलब सांस नहीं लेने देता वहाँ पे. और उसके अलावा four bosses और आते हैं. उसकी safe spot है, इतना ज़्यादा उनका issue नहीं है. First boss का सबसे ज़्यादा issue है. देन डियर फ्रेंड, इस कोर्स को कंप्लीट करने से हम लूनर जो है स्पेल बुक, उसमें 7 न्यू स्पेल ऐड कर सकेंगे. और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करने से होती हैं. और कुछ क्वेश्चन भी हैं इसकी वजह से रुकी हुई, वो भी आप अनलॉक कर सकोगे. तो डियर फ्रेंड, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सारी मैं अभी आपके सामने वाजा कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये कोर्स थोड़ी सी क्रिटिकल है, मतलब इसमें इतना कुछ करने वाला नहीं है, बस फाइट करनी है हमने 4 बॉसेस उनको डिफ़ीट करना है, देन हमारी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन इतनी भी आसान ये क्वेस्ट नहीं है, ठीक हो गया? क्योंकि हमने बॉसेस को किल करना होता है एक ड्रीम में जाकर, ठीक है? तो उसमें अगर आपके पास कुछ एक्सपेंसिव गेयर वगैरह है या आपने सेटअप किया हुआ है, तो अगर एग्ज़ाम्पल करो कि वहाँ पर आपकी डेथ हो जाती, तो आपकी हर चीज़ आपको कोई भी वापस नहीं मिलेगी, सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी. तो बेस्ट यही है कि आप वो गेयर लेके जाओ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं कि आप वहाँ पे कोई अच्छे अच्छे गेयर लेके चले जाओ और वहाँ पे जाके किल हो जाओ और सब कुछ ज़ाया करवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना. सिंपल सी चीज़ें ले जाएँ, कुछ जो के हिसाब से होती हैं, ताकि अगर होता है कि कभी बंदे की डेथ हो भी जाती तो आपकी सारी चीज़ें जो है सेव रहें, ठीक है डियर फ्रेंड? तो क्विज पॉइंट पर जाते हैं, क्विज करने जा रहे हैं जी ड्रीम मेंटर. तो क्या क्या इसकी स्किल रिक्वायरमेंट है और क्या क्या करना है इसमें. तो सबसे पहले मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपका कम्बॉट लेवल जो 85 होना चाहिए, अदरवाइज़ इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद डियर फ्रेंड, क्वेस्ट की बात की जाए, लूनर डिप्लोमेसी एडगर रोज, ये क्वेस्ट होनी चाहिए आपकी कम्प्लीट लाजमी. वैसे और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये दोनों की खसूसी तौर पर उन्होंने बताया हुआ, ठीक है? तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा पेज. इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो आप इन्वेंट्री में मेरा सामान देख रहे हो ये अभी कम है, बाकी सामान मेरा बैंक में पड़ा हुआ है. वो हम इंशाल्लाह जब हम मून क्लाइन आइलैंड पर जाएंगे तब वहाँ से जाके उसको उठाएंगे. लेकिन पहले डियर फ्रेंड, आपको ये सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने आ चुकी हैं, तो इन पर नज़र डालते हैं. तो क्विस्ट की बात की जाए तो आपको मैंने बताया लूनर डिप्लोमेसी एडगर रोज, 2 क्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद स्किल 85 प्लस सबका कम्बॉट होना चाहिए लाजमी. आइटम नीडेड की बात की जाए डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे सील ऑफ पैसेज होना चाहिए आपके पास एक्सेस करने के लिए वहाँ पे जो बैंक है, ठीक है? उसके बाद एक हमारे पास, एक या इस एक से ज़्यादा हमारे पास जी रूनस होने चाहिए, एस्ट्रा रून जो कि मैंने रखे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद टेंडर बॉक्स, एक हैमर, पिस्टर एंड मोटर, और डियर फ्रेंड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, जैसे कि मैंने ये सिलेमॉन फिश रखी हुई है, 7 पीसीज इसके हैं, 7 ये वाले हैं झींगे, ठीक है? और 7 टूनर फिश हैं, 6 टूनर फिश हैं, 7 डिफरेंट फूड आपकी होने चाहिए आपके पास. देन डियर फ्रेंड, उसके बाद बात की जाए, एक हमें व्हील्ड हमें चाहिए, एक पत्ता चाहिए जो कि हमने ट्रॉल स्ट्रॉन्ग होल्ड से हासिल किया था या एडगर रूज से हासिल किया था, शायद आपको याद होगा व्हील्ड, ठीक है? एक हमें वो चाहिए. देन डियर फ्रेंड, आगे बात की जाए, ये सारी चीज़ें मेरी इन्वेंट्री में है, ये जो व्हील्ड है हम लेने जाएंगे तब वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है? देन डियर फ्रेंड, आगे हम चलते हैं रिकमेंडेड आइटम में. तो रिकमेंडेड आइटम में सबसे पहले 1 हमें एस्ट्रा रून चाहिए, 1 कॉस्मिक रून चाहिए, 2 एयर रून्स चाहिए. ये सारे मेरे बैंक में हैं. ये क्यों है? ये एक हम NPC से बात करने के लिए लूनर डिप्लोमेसी में एक ऑप्शन है, उनसे चैट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये फ्रेंड, बेस्ट वेपन टू किल 4 हाई लेवल बॉसेस, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मतलब कोई भी गेयर यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि जो फर्स्ट बॉस है उसकी एक बात याद रखिएगा, वो 343 लेवल का है, उसका कम्फर्ट लेवल है. उसके बाद ये फ्रेंड, मेली में वो अटैक करता है और साथ में रेंज भी है, ठीक है डियर फ्रेंड? और इसमें सबसे जो हाई है वो उसके साथ में जो हेल्पर भी आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें 8 पॉइंट करता है. तो उसका जो वीकनेस है ना वो है मैजिक.
तो बेस्ट तो यही है कि आप अंडरग्राउंड पास क्वेस्ट करो, उसमें आपको ये स्टफ़ जो मेरे अभी हाथ में है ये मिल जाएगी आपको, आइबन स्टफ़, तो ये बेस्ट है आपके लिए। इसका यूज़ करो मैजिक के साथ, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। सो यार डियर फ्रेंड, आगे फूड की बात किया करते हैं। इसमें रिकमेंडेड आइटम में तो शार्क्स रख सकते हैं आप, ठीक है, डार्क क्रैप्स रख सकते हैं, या आप और भी फूड रख सकते हैं जो कि हाई लेवल के हिसाब से आपको हील करे। टू मैजिक पोशन आप रख सकते हो यहाँ पे, और स्टेमिना पोशन एक या दो इनफ हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड, इस क्वेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है। पहले आपने लूनर स्पेल, ये हमारी नॉर्मल स्पेल बुक है ना, इसको आपने लूनर स्पेल बुक में तब्दील कर लेना है जब हमने क्वेस्ट स्टार्ट करनी है। उसके बाद टेलीपोर्टेशन मेथड की बात की जाए तो डियर फ्रेंड, ट्रॉल स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके पास होना चाहिए जब हमने वील्ड लेने जाना है। उसके बाद जब हमने वापस आना है मून क्लाइन आयन, तो वो इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे वहाँ पे अपनी रूनस वगैरह। तो ये रही सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने, आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को ग्रैंड एक्सचेंज से। फिर से बता देता हूँ, बॉस को किल करने के लिए वो गेयर लेके जाओ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी वहाँ पे डेथ होगी तो सब कुछ लॉस हो जाएगा, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सीधा मून क्लाइन आइलैंड पर जाता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है लूनर इजलाइन टेलीपोर्ट, ठीक है, तो मैं इसकी मदद से वहाँ पे डायरेक्टली जाऊँगा। तो डियर फ्रेंड, वहाँ पे जाने से पहले एक बात का ख्याल रखें कि बॉस को मारने के लिए आपकी प्रेयर जो है किसी काम नहीं आएगी, यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट है कि प्रेयर भी आप यूज़ नहीं कर सकोगे, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होता हूँ वहाँ पर, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, हम मून क्लाइन जो आइलैंड है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड क्या करना है यहाँ पे, अब आपने थ्री डिफरेंट फूड लेकर आपने फॉलन मैन के पास जाना है जो कि इस डंजन में होगा, इस जगह पर, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्पेल बुक जो है उसको चेंज कर लें, नहीं तो हम वापसी में चेंज करेंगे, ठीक है, जब वो इस पर आएंगे। तो मैं यहाँ से रनिंग करता हूँ। तो यहाँ पे लैडर होंगी, इनसे आपने इस जो केव है इसके अंदर चले जाना है, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड, तो मिनी मैप पर आप देखें थोड़ा सा क्वेस्ट पॉइंट के पास आएंगे तो यहाँ पे हमें एक केव इंट्रेस्ट मिलेगी, आपने इसके अंदर चले जाना है। तो डियर फ्रेंड, जैसे ही अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉलन मैन है जो कि गिरा हुआ है, मतलब बिल्कुल एक दफ़ा से तो बस ये डेथ के करीब है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इससे टॉक करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन, थोड़ा सा कट सीन चलेगा, ये इसकी कोई कुछ फिजिक वगैरह और स्टेटस वगैरह हमें दिखाएंगे कि क्या करना है, स्पेस प्रेस करके रखनी है। ये देखिए हेल्थ जो है इसकी 0% है, स्पिरिट 0% है, उसके बाद इसने जो भी कपड़े वगैरह या कोई क्लॉथ केयर वगैरह वो भी हमारे पास बिल्कुल 0% है। यहाँ पे आर्ममेंट जो है वो भी इसकी 0 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सही, इसके मैन जो है इसको सही करना है, मतलब बिल्कुल ओके करना है इसको, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको फूड खिलाना जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करके यूज़ करना है इसके ऊपर, ठीक है, स्पेस, फिर दूसरा फूड, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है ना आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, स्पेस, फिर थर्ड वाला यूज़ करते हैं इसके ऊपर, फिर फर्स्ट। तो जैसे ही ये थोड़ा सा हिलेगा, मतलब कट सीन आएगा, स्पेस दबाना है। फिर
फिर इसको खिलाना शुरू कर देना है, ठीक है। अगेन अब राइट क्लिक करके इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, ये देखें 30% यहाँ पे हो गया। तो अगेन इसको फूड खिलाते जाना है जब तक ये 100% ना हो। तो ये देखें, यू डू नॉट नीड टू इम्प्रूव हिज़ हेल्थ एनी मोर, यानी कि वो कह रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा इसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, फिर इससे टास्क स्टार्ट कर देनी है। स्पेस दबाना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड कुछ इस टाइप के वर्ड आएंगे, मैं आपके सामने अभी ये सारा पेज भी लेके आ गया हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आपने इनके आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल करता हूँ जो ऊपर आंसर आया हुआ है। जैसे कि डियर फ्रेंड आप देख सकते हो ऊपर पेज में भी लिखा हुआ जस्ट डोंट वरी, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। जितने ये आंसर आए हुए हैं वो आपकी इस शीट के ऊपर, ठीक है, आपने इनको क्लिक करते जाना है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स स्पेस, तो फिर से इस पर क्लिक करके इससे टॉक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ होंगे, तो यू आर लुकिंग बेटर नाउ, सेकेंड वाला ऑप्शन, स्पेस प्रेस करके रखनी है। तो अब डियर फ्रेंड हम इसकी जो स्पिरिट थी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन, वेल यू लुकिंग एंड साउंड मोर, स्पेस। अब राइट क्लिक करके आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, 60% नीचे वाला हो गया, फिर से इससे टॉक करनी है। अब नेक्स्ट वर्ड आएंगे आपके सामने, ऊपर जितने भी वर्ड हैं उनकी सारी आंसर दिए हैं, जो जो आए आपने वो ही प्रेस करते जाना। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन स्टेटस, फिर से टॉक करनी है। थर्ड ऑप्शन, ऊपर मैंने सारी की सारी डिटेल दी हुई है डियर फ्रेंड, आप उस हिसाब से जो भी वर्ड है आपने वो प्रेस करते जाना है। अभी मैं और ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आंसर आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं जल्दी से इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारा लग जाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड ये थोड़ा सा उठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू कह रहा है, स्पेस प्रेस करनी है। अब क्या करना है डियर फ्रेंड, अब आप चाहो तो इससे टॉक करो, स्टेटस चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा से फूड देना है आपने। तो ये नहीं ले रहा, इससे दोबारा से अपने टॉक स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन स्पेस, फर्स्ट ऑप्शन स्पेस, फोर्टी परसेंट हो गया, ठीक है। दोबारा से ट्राई करते हैं इसको फूड देने की। तो रिजेक्ट कर रहा है, दोबारा से टॉक करनी है इससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू,
फिर से बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर वन, चेक करते हैं इसका स्टेटस। सो 64% हो गया, दोबारा से टॉक करते हैं इससे। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन अगेन, ऑप्शन नंबर टू, सो चेक करते हैं इसका स्टेटस। 72% हो गया, अब देखते हैं ये खाता है या नहीं खाता। ये क्यों नहीं खा रहा यार, फूड रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसने ये खा लिया, ठीक है। देन फिर ऊपर वाला स्टार्ट करते हैं, ये भी इसने ले लिया। सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, इसलिए डिफरेंट फूड आपने अप्लाई करने हैं इस पर। देन अगेन सो डियर फ्रेंड, ये जो है उठ के खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। स्पेस प्रेस करके रखनी है आपने, तो अब हम इसका स्टेटस जो है चेक करते हैं। तो 70% इसकी हेल्थ होगी, दोबारा से इसको फूड देते हैं। तो ये फूड रिजेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये इसने ले लिया फर्स्ट वाला, ये भी ले लिया सेकंड, ये भी ले लिया थर्ड वन अगेन, फर्स्ट वन सेकंड वन। आई होप सो कि ये जो है इसकी जो हेल्थ है 100% होगी यहाँ पे। देखिए डियर फ्रेंड, इसकी जो हेल्थ है 100% होगी। अब हमने इससे दोबारा से टॉक स्टार्ट करनी है, इसकी जो स्पिरिट है वो भी हमने 100% अप करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन, चेक करते हैं 72, दोबारा से बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर टू, चेक करते हैं इसका स्टेटस। 80% हो गया, जस्ट 20% मोर फिर बात करनी है। यहाँ पे लेट्स सिंग अ सॉन्ग, सेकंड ऑप्शन। फिर से बात करनी है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से बात करनी है, सेकंड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, चेक करते हैं स्टेटस। 80% ही, अभी दोबारा से टॉक करते हैं। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू स्पेस, अगेन टॉक करते हैं। जस्ट डोंट वरी, फर्स्ट ऑप्शन।
ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन 88% अगेन टॉक करते हैं. सेकंड ऑप्शन डिड यू हेयर द नॉइस यू आर लुकिंग बेटर नाउ. सेकंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन स्टेटस 96%. वन मोर टाइम इससे टॉक करनी है. सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन. सो आई होप कि अब 100% हमारा हो गया. तो डिफरेंट हेल्थ 100%, स्पिरिट 100%. अब रह गया डियर फ्रेंड हमारा ये वाला पोर्शन. ठीक है, इसको 100% करने के लिए हमें दोबारा मूनक्लाइन आइलैंड जाना पड़ेगा. ठीक है, अब हमने डियर फ्रेंड इसको स्टफ़ ला के देनी है. तो इससे बाहर निकलते हैं, मूनक्लाइन आइलैंड पर जाते हैं. ठीक है, लेडर से क्लाइम अप करना और सीधा हमने बैंक जाना है. मेक श्योर कि आपके पास सील ऑफ पैसेज होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको उठा के बाहर फेंक देंगे यहाँ से जैसे ही आप बैंक ओपन करोगे. ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड क्या करना है, ये थर्ड नेम वाले बंदे पर आपने राइट क्लिक करके इससे करनी है टॉक. इसका नाम है जी बर्ड आई जैक. ठीक है, इससे टॉक करनी है आपने. ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड टू, स्पेस प्रेस करके रखनी है. तो ये क्या करेगा, ये हमें अपनी चेस्ट देगा जिसके अंदर हमने अपने जो फॉलन मैन है उसके लिए सारी इक्विपमेंट्स वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करके लेके उसको जाके देनी है. तो ये देखें, ये इसने अपना जो है चेस्ट हमें देगी. हमने इसका सेटअप करना है, इसके लिए अच्छे से सेटअप करना है. ठीक है, तो ड्रैगन हेलमेट ले लेते हैं. ठीक है, उसके बाद टॉप एंड रॉप ले लेते हैं हम जी, ये वाली और साथ में ये. ठीक हो गया, एंड देन डियर फ्रेंड रेंजिंग बूट ले लेते हैं इसके लिए और अबेसियल वेप ले लेते हैं जी. ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप. तो डियर फ्रेंड अब हमने क्या करना है, अपनी स्पेल बुक को चेंज करना है यहाँ से. तो बाहर निकलना है. ठीक है, हम बैंक के पास हैं, हमने जाना है इस जगह पर. ठीक है, ये अल्ट्रा के पास. तो जल्दी से हम यहाँ से रनिंग मोड में आते हैं. तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने करनी है प्रेयर. ठीक है, तो हमारी जो स्पेल बुक आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चेंज हो गई. अब हमने डियर फ्रेंड ट्रैक्टर से बात करनी है. तो वापस बैंक जाते हैं जल्दी से. तो ये आ गए हम बैंक. अब हमने ये जो है एनपीसी कॉन्टेक्स जो है इसको हमने क्या करना है, इसको स्पेल को ऑन करना है. तो इसके लिए हमें एक कॉस्मिक रून और दो एयर रून चाहिए. तो मैं अपने बैंक से उसको निकाल लेता हूँ. ठीक है, साथ में कॉस्मिक. ठीक हो गया, ये रहे. ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो करेक्टर है ये जो ओपन हो गया, ये हमारा एक ऑप्शन. ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है. तो यहाँ पे बंदे से बात करनी है जी, इस बंदे से सेलियस. ठीक है, इससे अपनी टॉक करनी है. स्पेस प्रेस करके रखना है.
ओके डियर फ्रेंड, बात हमारी ख़त्म होगी। हम हमने दोबारा उस केव के अंदर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने रूनस वगैरह मून क्लाइन के लिए रख लेता हूँ ताकि वापसी आने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 ये ले लेता हूँ। ठीक है, और आई थिंक देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ रून, और हमें चाहिए जी अर्थ रून 10, मैं ये ले लेता हूँ ताकि मैं बड़े ईजीली यहाँ पर आ सकूँ। तो दोबारा रनिंग करनी है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हमने जाना है उस केव के अंदर। ये जो चेस्ट है ये उसको देनी है अपने फॉयलन मैन को। तो डोंट वरी, अभी तो ये हमारा काम स्टार्ट हुआ है अभी बस, यानी कि अगर हम बॉसेस को मार लेते तो हमारी जो क्वेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आगे आना थोड़ा सा, केव के अंदर इंटरेस्ट करनी है। दोबारा से ट्राई करनी है स्पेस। अंदर आके इससे बात करते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें जो है इक्विप कर लेगा, एक शॉर्ट कट आएगा। स्पेस, तो ये लुक लाइक कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, परफेक्ट, आई फील हेल्थी, लेकिन अभी भी ये डरेगा ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए। तो अब हमारा जो लास्ट काम है, अब हमने वो ड्रीम वर्ल्ड में जाना है और बॉसेस से फाइट करनी है। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करके इसका स्टेटस देखते हैं। वो नीचे देखिए मैसेज अगर यू डोंट नीड टू लुक एट दैट राइट नाउ, यानी कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब डियर फ्रेंड हमने क्या करना है, मैं जाता हूँ यहाँ पे मून क्लैन आइलैंड पर सीधा। तो हम टेलीपोर्ट होके बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब हमने जाना लेडी के पास और उससे हमने एक बोतल लेनी है जिसके साथ हम एक पोशन बनाएंगे जो कि ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए हमें बहुत हेल्प देगी। ठीक है, तो उसके पास जाते हैं जो कि अल्टर के पास है। तो लेडीज़ के पास आ गए हैं, इस लेडी से करनी टॉक। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा वो वाला भी करेक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो डिफरेंट हमें ये देखें, एक ड्रीम की बोतल मिल गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी जो स्पेल बुक है इसको चेंज कर लेते हैं, प्रेयर से चेंज करते हैं, नॉर्मल में आते हैं। ठीक हो गया, अब हमने डिफरेंट जाना है जी यहाँ से अपना पोशन मेक करने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा, सबसे पहले हमने जाना है फील्ड लेने। तो अब हमने जाना है ट्रॉल स्ट्रॉन्ग होल। ठीक है, जहाँ से हमने एडगर रोज क्वेस्ट कंप्लीट की थी डियर फ्रेंड। तो उसके लिए मैं स्पेल बुक से अपनी चीज़ें निकाल लेता हूँ ताकि टेलीपोर्ट हो सके वहाँ पे इजीली। तो डियर फ्रेंड हम यहाँ पे आ गए, हमें सिर्फ फायर रूनस की ज़रूरत है और किस चीज़ के नहीं। तो हम जहाँ पे जाते हैं जी, ट्रॉल स्ट्रॉन्ग होल, तो हम अपर आ गए हैं। ठीक है, तो हमने जाना है इस केव के अंदर। तो यहाँ से शॉर्टकट साइन से नीचे उतरते हैं। तो डियर फ्रेंड जिन्होंने ये क्वेस्ट कंप्लीट की है एडगर रूज, उनको तो अच्छी खासा अंदाज़ा होगा कि क्या करना है, किस जगह पर जाना है। तो इस केव के अंदर जाना है आपने,
उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ आना है आपने, साउथ साइड में, और यहाँ पे लेडर्स होंगी, इनको आपने क्लाइम डाउन करना है। कुकिंग एरिया में आके थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे हमें डियर फ्रेंड कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी, इसको आपने नीचे उतर जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाना है, तो जिन्होंने एडगर रोज को की है उनको पता है यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे डियर फ्रेंड हमने इनसे छुप कर बिल्कुल लास्ट में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके इस जगह पर हमने जाना है, ठीक है, इस जगह पर, ये जो वील्ड है इस जगह पर हमने डियर फ्रेंड जाना है। तो इनसे छुप कर और बड़े आराम के साथ जाना है यहाँ से, कि ये हमें देख ना सकें, ठीक है, नहीं तो ये आपको मारेंगे कुछ ऐसे। फिर से ट्राई करते हैं। तो डियर फ्रेंड हम अपनी पोजीशन पर आ गए हैं, आपने राइट क्लिक करके इसको करना है सर्च, तो हमें एक वीड मिल जाएगा, जैसे हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमें बाहर छोड़ देंगे खुद ही, ठीक है। तो हम इस जगह पर आ गए। अब हमने डियर फ्रेंड दोबारा मून क्लैन आइलैंड पर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक टेलीपोर्ट लूँगा, मैं पहले विरॉक जाता हूँ, वहाँ से ग्रैंड एक्सचेंज जाऊँगा और वहाँ से टेलीपोर्ट लेके सीधा हम मून क्लैन चलेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड सीधा मून क्लैन चलते हैं, ठीक है, टेलीपोर्ट होके तो हम इधर आ गए, ठीक है, बिल्कुल बैंक के सामने। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है क्या करना है, हम यहाँ से जाते हैं जी किसी भी एक सिंक के पास, जहाँ से हमने बोतल के अंदर पानी भरना है। ये सिंक के पास आ गए। अब ये जो बोतल है राइट क्लिक करके इसको यूज़ करना है पानी के ऊपर, तो इसको फिल करना है, ठीक है, ये फिल हो जाएगी। अब ये जो हमारा व्हील्ड है इसको भी इसके ऊपर यूज़ कर देना है, ठीक हो गया। देन डियर फ्रेंड क्या करना है, हमारे पास हैमर है, ठीक है, हैमर को यूज़ करना है एस्टर रून के ऊपर, ठीक है। तो इसके पीस बन जाएंगे कुछ ये, ठीक है, इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पिस्टर और मोटर को इसके ऊपर यूज़ करना है, इसकी डस्ट बन जाएगी ये। अब इस डस्ट को इस बोतल के अंदर डाल देना है, तो ये हमारा जो एक पोशन बन जाएगा। अब डियर फ्रेंड बैंक जाना है, और बैंक जाके हमने करना है जी सेटअप। अब इधर डियर फ्रेंड मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा अंदर रखता हूँ, ठीक है, इधर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी भी नहीं, अब इसकी भी नहीं। सील ऑफ पैसेज हमें चाहिए, एक हमने सील ऑफ पैसेज रखना है, एक टेंडर बॉक्स रख लेनी है लाजमी, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड रख लेने हैं जी मैजिक पोशन, अगर है तो वो रख लीजिएगा, तो मेरे पास मैजिक पोशन है, मैं रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइट करने के लिए मैं रखता हूँ जी डेथ रूनस, और साथ में रख लेता हूँ जी फायर रून। मैं मैजिक के साथ अटैक करूँगा उस पर, फर्स्ट बॉस पर। इसी के साथ मैं थोड़ा सा मेली का सेटअप भी कर लेता हूँ, तो मैं हेलमेट रख लेता हूँ, उसके साथ डियर फ्रेंड मैं रखता हूँ जी बूट्स, ड्रैगन बूट्स, और साथ में मैं वेपन रख लेता हूँ जी स्पेशल अटैक के लिए डैगर, ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ। हेलमेट जो है मैं चेंज करूँगा, हेलमेट की जगह पर मैं लेके जाऊँगा ये वाला हेलमेट, ठीक है, ये मेली का भी हो गया और साथ में मेरा हो गया डियर फ्रेंड मैजिक का भी। उसके साथ डियर फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ बाकी जितना भी फूड मेरे पास अच्छा है मैं वो रख लेता हूँ, ठीक है, इतना ख़ास तो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ओके डियर फ्रेंड, जो स्पेशल टैग मैं हीलिंग कर लेता हूँ यार जल्दी से, याद रहे कि यहाँ पे हम अपनी जो प्रेयर है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी प्रेयर जो हमारी यूज़ यहाँ से नहीं होगी। तो मैंने मैजिक और रेंज, और सॉरी मेली रखी है स्पेशल अटैक के लिए, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है डियर फ्रेंड, आगे की तरफ जाना है, दौड़ना है। मेक श्योर कि आप इधर आके अपना जो ऑटो अटैक है उसको क्लोज़ कर लो तो बेस्ट रहेगा। ये सामने वाले आपने डोर का दरवाज़ा ओपन करना है, इस स्टेप के पास आके आपने खड़े हो जाना, हमारा जो प्लेयर जिसको हमने ठीक किया वो ऑलरेडी यहाँ पे होगा। तो अब स्पेल बुक से डियर फ्रेंड मैं ये आइबन ब्लास्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो डियर फ्रेंड हमारी जो टेंडर बॉक्स है इसको आपने यूज़ करना है इसके ऊपर, ठीक है। देन आपने अपने साथी से बात करनी है, स्पेस प्रेस करके रखना है, यस लेट्स गो। तो दिल थाम के तो कट सीन आएगा। सबसे पहले यहाँ से आप राइट क्लिक करके लीव कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी सारी की सारी यहाँ से ना हो जाएंगी हमारी स्टार्ट रीन्यू, अगर आप यहाँ से लीव करते हो तो। स्पेस प्रेस करके रखना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये रहा जी हमारा फर्स्ट बॉस। तो इस पर करते हैं जो अटैक, तो ये हिट पॉइंट काफ़ी देगा हमें, मारेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसको किल करते हैं यार। हो जा किल, हो जा। मैं अपना स्पेशल ट्रैक तो भूल गया यार। बस लास्ट इट, मर जा। तो फर्स्ट बॉस हमारा यहाँ पर किल हो गया। जल्दी से दौड़ के आपने इस तरफ आ जाना, सेफ स्पॉट है, ठीक है। तो ये आ गया। डियर फ्रेंड याद रखना कि हमारे पास अब इस वक्त जो फूड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से किल करना है, अटैक करते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारी सेफ स्पॉट है, अब हमें मतलब दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैजिक पोशन भी हमने नहीं पिया जल्दबाजी में, ठीक है। थर्ड बॉस हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है।
लो जी, इसके बाद हमारा एक छोटा सा बॉस और आएगा, ये वाला, ठीक है। इसके लिए सेफ स्पॉट नहीं है, बस इसके लिए दौड़ना है आपने, यूज़ करना है इसको, मारना है, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसका ख्याल रखना है ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट क्लोज़ हुआ, मुझे सबसे सब कुछ दोबारा से करना पड़ा, बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। तो देन फिर यहाँ से आ गए हैं, यहाँ इसी जगह पर। तो अचानक से यार मेरे नेट ने ना मुझे धोखा दे दिया, शायद आपने नोट किया होगा कि वो जो मेरा जितना भी था सब कुछ ना रीन्यू हो गया, मेरी सब कुछ, ये जितना भी मेरा सेटअप था सारा लॉस हो गया यहाँ पे। तो मुझे दोबारा से ना सेटअप करना पड़ा इसका। तो टेन कोई बात नहीं, हम उस जगह पर आ गए, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो एक बात आपने याद कर रखनी है, अगर आपकी प्लेयर की डेथ हो जाती है तो आपको दोबारा वील्ड और वो पोशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये जो बंदा है वो वहीं पे होगा। आपने बस टेंडर बॉक्स ले जाकर उसके साथ मतलब सब कुछ, सिर्फ आग लगानी है, बात करनी है, और आप फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट बॉस जो इसका था, बस वही एग्रेसिव था, बाकी तो इतने मुश्किल नहीं है। बस इसको लास्ट हिट लगनी है डियर फ्रेंड, और ये इसकी डेथ हो जानी है, और हमारी क्वेस्ट यहाँ पे टोटली तौर पर जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो फाइनली ये हमारा जो फोर्थ बॉस है छोटा सा, इसकी भी डेथ हो गई। तो ये इसको स्मैश करेगा अपने पाँव के साथ, तो हम ड्रीम वर्ल्ड से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड, इससे बाहर आना है। अब हमने जाना है उसी लेडीज़ के पास, अल्टर के पास, ठीक है, इस जगह पर। इधर आके उससे टॉक करनी है और हमारी क्वेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो उस वक्त तो मुझे सीधी बात है, मेरे नेट पर बहुत मुझे गुस्सा आया, पीटी सेल यूज़ करता हूँ। अचानक से यार फर्स्ट टाइम मैंने मतलब बड़े इजीली हमने उनको उसको किल कर लिया था, तो अचानक आपने देखा ही है कि वो जो मेरा अचानक से बंद होगी, मतलब गेम ही बंद होगी इधर से, नेट की प्रॉब्लम की वजह से ये हुई है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, हमने फिर उसको किल कर ही लिया। तो इस लेडीज़ से टॉक करनी है, स्पेस प्रेस करके रखना है, ऑप्शन नंबर टू। सो डियर फ्रेंड, फाइनली यहाँ पे हमारी जो क्विस्ट है कंप्लीट हो चुकी है। ड्रीम मेंटर, यू आर रिवॉर्डेड 2 क्विस्ट पॉइंट, 15,000 हिट पॉइंट एक्सपी, 10,000 मैजिक एक्सपी, और साथ में हमें एक एक्सपीरियंस लैम मिला है, ठीक है, जो कि हमें 30,000 आई थिंक एक्सपी देगा, ठीक है, एंड मोर लूनर। उसके साथ हमें मोर लूनर जितने भी स्पेल हैं वो सारे के सारे 7 स्पेल हमें अनलॉक मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, तो यहाँ पे हिट पॉइंट, स्ट्रेंथ, रेंज, तो मैं रेंज को देता हूँ 15,000 XP, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, फाइनली हमारी क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगी आफ्टर ए हार्ड वर्क। इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, बस ठीक ही थी, फर्स्ट बॉस था इसका ज़्यादा हैवी, अदरवाइज़ और कोई इसमें प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं थी करने वाली, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको ये क्वेस्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस फ्यूचर में जैसे ही हम कोई नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आप तक बड़े आसानी के साथ पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।